शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये सब्जी वाले पांडे का 1,000, ऊपर से 1,500 ब्याज, इसको खत्म कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये दया कसाई का 3,084.50। और हाँ हाँ देख, ये चपरासी सतीश के 8,000 हैं, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल। इसे मैनेजर की तरक्की चाहिए। अरे इसमें 102 रुपया कम है। अच्छा तो मुझे क्यों दम देता है? ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। तू कागज चल, उंगली चला, मेरे मामले उंगली मत कर। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी पे दम। ये नरक तो जाएगा ही और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा? ये मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार दूंगा। पैसे दिए ठीक है, हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में, तो वो गले में टांग कर सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं। बाकी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए बाकी? धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता? 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया, होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू? सुन चौधरी, 1 हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी, नौटंकी कहीं का। चल पान के गले पे बैठ। पान? और सुन, गिन के रखे हैं पान, एक भी पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाऊंगा। और सुन, कल से वसूली पे तू जाएगा। नो 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 नो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आप? आपके पहले एक टकलू मैनेजर था, उसने कहा शोरूम के कागजात दिखाओ और लोन लेकर जाओ। हाँ। वो टकलू था, मैं नहीं हूँ। मामा का लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने भारी ब्याज पे शोरूम के लिए रकम उठाई है। देखिए, अगर आपने लोन नहीं दी तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। प्लीज देखिए, मैं लोन नहीं दे सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों? ये बैंक तेरे चाचा की है। गेट आउट यू फूल्स। रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा, साले की खाल उधेड़ देंगे। बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा, तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है। जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबारे। बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। यह तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत। मेरी किडनी बेचने निकला था वो। हाँ, निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला, तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेने देना? अबे तू बोला ना कुछ, बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलू? अबे देख 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 कौन है? मामा। कौन है? हीरो आया? शूटिंग है क्या? बोलना। ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय। अरे तू यहाँ? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे? बाय द वे, हाँ हमारी शादी हो गई यार। अरे अरे ये गाड़ी भी तेरी है यार, तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ। शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल, कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट पक्या। चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस। बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार, हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक
चलना, आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारी भी निकल पड़ेगी। हाँ, लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से, आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी, फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से। ये मेरा दोस्त है गोपी, प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, और ये उसकी 12 होना, मैं बताता हूँ। इस तरह आना, इधर आना। यार सुन, प्यार का चक्कर है, बेचारे घर छोड़ के आए। गोपी एकदम अपने जैसा है, क्या है, जेब है तो कौड़ी नहीं, बाल है तो कंगी नहीं, और नेहा जो है ना करोड़पति है, लेकिन फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि चोरी छुपी घर छोड़ के आए, और उसका रईस बाप बेचारे गोपी की जान के पीछे पड़ा, और छुपने के लिए कोई जगह नहीं। तुम, मैंने सोचा दो प्यार करने वालों की तुम जैसे रहमदिल इंसानी मदद कर सकते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वो चुड़ैल इनकी हमारी सबकी हड्डियां बाहर फेंकेगी। यार मैं उनको जबान दे चुका हूँ यार, हाथ और पैर तो नहीं दिया ना, जबान वापस ले ले चल। और एक मिनट, ये तो अपनी दीदी के पास रहता है ना। हाँ, तो इनको भी अपने साथ वहां पे क्यों नहीं रखता? क्योंकि अब वो मेरा घर रहा नहीं ना यार, वो साले ने मुझे घर के बाहर फेंक दिया। कौन साला? अरे मेरा जीजू साला यार, मैंने अपने रहने का इंतजाम एक दोस्त के यहाँ कर दिया जो 2 महीने के लिए बाहर गया, एक बार वो वापस आ जाएगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। क्या, अबे तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? एक तो देख इस गधे को देख कैसे फैला पड़ा है, जैसे ये पूल टेबल इसके बाप ने दिया हो, साला पूरे घर को धर्मशाला बना के रखा है। सुन, तू उनको खुद बोलेगा कि मैं बताऊं? देख मेरी, खुद बोलेगा मेरी बात, तू खुद बोलेगा, तू मेरे एक बार। दोस्त, पकिया ने हमें सब कुछ बताया, लेकिन मुश्किल है। सिर्फ 2 दिन, कोर्ट में शादी होने के बाद किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शादी के बाद अब रहोगे कहाँ, गुजारा कैसे करोगे? मैं फुटपाथ पे रह लूंगी, लेकिन गोपी के साथ। जब मुझे प्यार हुआ तब मुझे पता नहीं था कि गोपी इतना गरीब है, और अब क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों के लिए सबसे जरूरी होता है प्यार, और एक बार प्यार हो गया फिर लड़का गरीब अमीर चोर उचक्का कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, बस सच्चा प्यार करने वाला चाहिए। कसम से मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा मुझसे इतना प्यार करने लगेगी, लेकिन सपनों को सच होना होता है तो वो हो जाते हैं। खैर, हम आपको इतनी तकलीफ नहीं देना चाहते, कोई और दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा, चले। थैंक्स मैन। सॉरी। थैंक्स। एक तो जंगल में आग, ऊपर से चड्डी में नाग। ए, मामा का घर है, मामा की नौकरी है, फिर भी दिन भर यहीं पड़ा रहता है साला। उठ, चल चाय बना। अबे घर के असली मालिकों की कभी तो इज्जत कर, पुकटिया। ए परेश, इधर आ। 1 cold coffee। ओके सर। ये नया अवतार क्या बे? लोगों के झूठे बर्तन उठा उठा के मेरा क्या भला होने वाला था, इसलिए मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। वाओ, क्या बिजनेस है? हार्डवेयर की दुकान खोली है। पैसा कहाँ से लाया बे? डाका डाला? बैंक ने दिया। बैंक में जाओ, लोन की अर्जी भरो, पैसा तुम्हारे हाथ में। मतलब कोई भी मुंह उठा के बैंक से पैसा मांगता है और वो मिल जाता है? बैंक है कि शिरडी के साईं बाबा। सिर्फ तुम्हारे पास एक दुकान होनी चाहिए। देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दुकान चाहिए अच्छे इलाके में। बैंक तुमको लोन देगी 4 लाख, उसमें से 2 लाख कंपनी को दे दो डिपॉजिट के तौर पर, फिर किसी भी कंपनी में जाओ, साबुन, किराना, स्टेशनरी, किसी भी कंपनी में। ओके, कंपनी तुमको माल देगी 5 लाख का। आजकल लोग किसी भी चीज़ को इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूख की दीमक लकड़ी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा माल बेचने में। मुनाफा है 20%, तो महीने की आमदनी कितनी हुई? 1 लाख। बैंक लोन कितना है? 4 लाख। हाँ, तो 4 महीने में लोन, चारों खाने चित, 5वें महीने में दुकान तुम्हारे पास, 6वें महीने में 1 लाख तुम्हारे पास होगा, और 7वें महीने में। बस भाई, जरा फिर से बताओ क्या क्या करना पड़ेगा? लोन के फॉर्म भरो, साइन करो, फिर दुकान के कागजात, जेरोक्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट के 10-12 जेरोक्स बना के एक मस्त फाइल बनाओ, और बैंक को अपने नेक इरादे बताओ। जी हाँ, मिल जाएगा। आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, दुकान के कागजात ले आओ और पैसा ले जाओ। लेकिन ये दुकान कागजात किस दुकान से मिलेंगे? बेअकली के। अच्छा, अबे नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले।
थूक। उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। पैसा 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 कहाँ से आएगा? अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ थूक खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ाएगा क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ, और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत। बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले, पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? सोच, सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। ये एयरटेल का डिस्कनेक्टेड नंबर है किसी सोफी का। आपके ऑफिस से उनका पता मिल जाता तो। I'm very sorry मैडम, ग्राहकों की निजी जानकारी हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते, ये कंपनी के उसूलों के खिलाफ है। आई अंडरस्टैंड, पर मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है, आप प्लीज बाहर आएंगे? चलिए। चलो वापस चलो। किधर, क्या हुआ? अरे उसका कोई है, अगर उसकी खिचड़ी पक गई तो अपना दाना जल गया समझो ना। तुझे कैसे पता? देख नहीं रहे हो कैसी गुटुल चल रही है? देखो कैसे हाथ में सर से बात कर रही है। चलो। तू जा साली, तू जा। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। हाँ बे, 2 दिन पहले तो शहर आई है, फिर 2 दिन में मजनू कहाँ से उगेगा? वही तो। चल ना, मटकी फोड़ डालते हैं, अंदर पत्थर है कि सोना पता तो चलेगा। मेरी बहन को देख पानी टपक रहा था मुँह से। हाँ क्या हो रहा था उसके साथ? कौन बहन? ओ तो लौंडा माँ बहन भी नहीं जानता तू क्या? एक मिनट बॉस, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं समझा देता हूँ ये कौन है। जिस लड़की के सामने तूने मिठाई की दुकान खोली, ये उसका भाई है। भाई? वो जो मर चुका है वो भाई? कौन मरा कब? उसका भाई। देखिए कौन मरा कैसे मरा मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा है कि भाई ने खुदकुशी की है, तो तुम लोग कौन हो? मैं भी भाई हूँ लेकिन जिंदा, और मैं उसका होने वाला पति। हम लोग बाद में तय करेंगे। ये कील तू दिमाग में गाड़ ले, मेरी बहन का पीछा छोड़ दे। ओ हेलो, मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं पड़ा था। हा? वो खुद गिड़गिड़ाती हुई आई थी मेरे पीछे, अपने भाई के दोस्तों के बारे में पूछ रही थी और किसी सोफी के डिटेल भी चाहिए थे उसे। और क्या पूछ रही थी वो? तेरी बहन है, तू उससे जाके पूछना, मेरी छाती पे क्यों नाच रहा है? अब समझ में आया चीटी की कतार कहाँ जा रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? लड़की को गुजरे हुए भाई के दोस्तों के बारे में जानकारी निकालनी है। हाँ तो चलो हम भी कतार की तरफ निकल पड़ते हैं। ये कतार सऊदी में है, तेरे पास पासपोर्ट है क्या? इसकी 1-way टिकट कराओ, कभी वापस ना आए साला कतार। ए, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। नमस्ते, हम लोग राहुल के दोस्त हैं, बॉक्सिंग करते थे साथ में स्टर्लिंग क्लब में, बहुत गहरे दोस्त हैं। तो हमारी क्लब इस साल भी मैगजीन निकाल रही है, तो राहुल की फ़ोटो चाहिए यादों की शमा कॉलम के लिए। प्लीज़ सिट डाउन, लेट मी चेक। पढ़ पढ़ क्या लिखा? ये मेरा फोटो नहीं है, ये क्या लिखा, क्या लिखा? मेरा नाम है कि नहीं? अबे सबका नाम है, ये देख, डीपली मोन बाय फ्रेंड्स, पंकज, मार्तन, समीर, गौतम। मार्तन तेरा नाम है? तो है। और पता इसका दिया हुआ क्यों? अबे तेरा कोई अता पता है? चल हाँ चलो, क्यों तेरे को जो पट्टी पढ़ाई थी याद है ना? एकदम, मौका मिलते ही फटाफट मार दूंगा। हाँ टकाटक तोते की तरह बोल देना। बिल्कुल, अपनी जेब से कुछ मसाला मत डालना, जो हमने सिखाया है वही बोलना। ज्यादा बोले ना तो सब भूल जाऊंगा। ए हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, अगर कोई गफला किया तो तुझे फोट डालूंगा।
जैसे बोला वैसे ही करना। हाँ ठीक है। आइए, कौन चाहिए? क्या ये पंकज, मार्तण, गौतम और समीर का घर है? हाँ हाँ हाँ, आइए आइए आइए। ये कौन है? ये मेरे मालिकों के बहुत ही जिगरी, बहुत ही गहरे और बहुत ही दिल के करीब वाले दोस्त हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन, ये तो मर चुके। इनसे नहीं, तुम्हारे मालिकों से मिलना है। जो पट्टी मेरे दिल में है ना, मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। मालिक के जाने के बाद चारों गम में डूबे रहते हैं। स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है। फोटो के सामने बैठकर गांधी जी की तरह रोते रहते हैं। ओवर एक्टिंग की औलाद, पूरा गेम बिगाड़ देगा ये। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं, फूटेगा, लेकिन ये बोल रहा था करेगा। ले कर दिया। मुझे मिलना है तुम्हारे मालिकों से। लेकिन वो यहाँ नहीं है, सबके सब बॉक्सिंग करने गए। कहाँ? स्टर्लिंग क्लब। अच्छा तो ठीक है, मैं उनसे वहीं जाके मिल लेती हूँ। ठीक है। अब उसके पहले हमें क्लब पहुंचना है। मुझे कुछ देंगे? हाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे। क्लब से लौट के बस बदन पे तेल लगा के रखना, हम अभी आते तेरी। ठीक है ठीक है। ओए झूठ मूठ की बॉक्सिंग करेगा? तुम पागलों का भरोसा नहीं, सचमुच हाथ पैर तोड़ने लगोगे। ए मारू, समझा ना? अबे जाना, डरपोक कहीं का, लोग प्यार में जान दे देते हैं, तू दो चार घूसे ले दे नहीं सकता? बिल्ली का बच्चा कहीं का है? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, काने बजा नहीं कभी गाना। यार लेकिन ये जानवरों का जंगली खेल क्यों, कुछ और खेल खेलते ना। तू आंख में चोली खेल। अबे रितु का भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, अब अगर हम उसके दोस्त बन रहे तो हमें भी बॉक्सिंग आनी चाहिए ना। शायद यही है। अच्छा, यही है वो लड़के। फूल के साथ गमले भी आए, मुंह छुपा ले, बूढ़ों ने देखा है मैं पहले। गौतम, मार्तण, समीर, मैं पंकज, पंकज मैं। बाकी? वो बाकी के तीनों को मैंने भेज दिया। किधर? तेरे बाप की शादी में। क्या आप राहुल को जानते हैं? बॉक्सिंग चैंपियन राहुल? हाँ वही, मैं उनकी बहन हूँ। ओ रितु, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है आपके बारे में? आपको देख के तो मैं ये तो चारों खाने चित्त हो गए। ये बंदे उठते क्यों नहीं? वो मेरे मारने से मर गए थोड़ी देर के लिए, अभी आपके जाने के बाद इनकी जान में जान आ जाएगी। बहुत टाइम लगा थे ये लोग। इतने हट्टे कट्टे तीन पहलवानों को तुमने अकेले ने पानी पिला दिया? वैसे तो रोज के पांच छह मारता हूँ, आज तीन ही सही। आइए ना, वहां जाके बात करते हैं हम लोग। आइए ना, प्लीज प्लीज चलो।
राहुल भैया की अनबन थी किसी से या कोई दुश्मन दगाबाजी करने वाला? नहीं, क्यों? नहीं, वरना वो इस तरह अचानक खुदकुशी क्यों करेगा? मुझे लगता है जरूर किसी की साजिश है। पहले राहुल को खत्म किया, अब हम पर पिले हुए हैं। ये देखो, कमीनों के एक झुंड ने मुझ पर हमला किया और कोई इस पर भी मंत्र मारने आया था। हाँ, लेकिन मैंने उसे मार गिराया। और तो और, हवन पे पानी फेंकने की भी जरूरत की किसी ने? कौन है ये कमीने जिन्होंने हमारा जीना हराम किया है और क्यों? कोई खूंखार डाकू या सरफिरे लुटेरे होंगे। आपको उनका हुलिया याद है? छपे हैं दिमाग में, नींद में भी पहचान सकता हूँ। मुझे कुछ और जानकारी चाहिए थी राहुल भैया के बारे में। वेल, अभी तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो। तो फिर कल? कल कैसा रहेगा? ठीक है, जरूर, why not? हाँ, ये लीजिए, ये हमारा कार्ड रखिए। हाँ। इस पर एड्रेस है और जब भी आपको फुर्सत मिले चाय नाश्ते पे आइए, बैठ कर बात करेंगे। ठीक है, जरूर जरूर। नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। लेकिन रितु ने हमें नहीं देखा। हाँ। और हम सब उससे मिल सकते हैं। हाँ, और रितु से कल तू अकेला नहीं, हम सबके साथ मिलेगा। और तू उससे कहेगा कि हम राहुल के असली दोस्त हैं। हाँ। और हमारे थ्रू तू उसके पास गया। और मिलने का वक्त और जगह भी हम लोग तय करेंगे। सोच क्या रहा है? हाँ। देख, मैं अभी से बोल देता हूँ, रितु के बाजू की सीट की बुकिंग मैंने की है। हाँ। ओके, लेकिन दूसरे बाजू की सीट मैंने बुक कर ली है। हाँ? कोई बुकिंग वुकिंग नहीं कर सकता। रितु ने टिकटें खरीदी हैं, जो जिसके हाथ में आए वो वहीं बैठेगा। ओके, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे, नहाने के लिए बाथरूम चेंज किया तो मुझे बताना चाहिए था ना। तेरे लिए ला दे। हाय मार्तंड। मारो साले टटिंदर। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। टू मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद। अबे मारू के बच्चे, तेरी खाल तो मैं बाद में उखाड़ूंगा। चौधरी, नाटा का सोना लॉकर से बाहर निकाल। आज का भाव बोलो और तोल मोल के माल दे दो। जी। मेरे से मटर कश्ती करता है साला। इतना ओखली में मुंह डाल डाल के कूटने जैसी क्या बात है? झटक से बोलना कितना मिलेगा? कम से कम 3 साल। क्या? आप यही तशरीफ रखिए, हम पैसा आपको गिन के अभी देते हैं। ओ कछुए के बाराती हो, जल्दी करो, अपने पास टाइम नहीं है। हाँ, वो ठग। यही है वो ठग साहब। सर, ए, डाल दे इसको डिब्बे में। डिब्बे में? मैंने क्या किया है? हिम्मत तो देखो बगले भगत की, पूरे नकली जेवर बेचने चला था तू मुझे। नकली है? तेरी एक्टिंग असली है। अरे क्या चल, हाथ नहीं लगाने का, अपन भी पुलिस वाला है।